कभी इस लड़ाई में नेवला बाजी मार ले जाता है तो कभी सांप भारी पड़ता है। हालांकि सांप कभी भी नेवले के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्यों कट्टर दुश्मन है सांप और नेवला। इंटरनेट पर कई बार लोग ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी किस बात को लेकर है। कोरा पर भी लोगों ने इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो अलग अलग तरह के जवाब मिले। कुछ यूजर्स का कहना था कि सांप और नेवला प्राकृतिक तौर पर दुश्मन है। सांप नेवले को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके और नेवला इसलिए मारना चाहता है ताकि वो ज्यादा दिन सर्वाइव कर सके। वैसे इससे इन दोनों की दुश्मनी इस बात को लेकर है कि सांप हमेशा नेवले के बच्चों को शिकार बनाना चाहता है क्योंकि उसे खाने के तौर पर पसंद होते हैं। यही वजह है कि नेवला बच्चों की रक्षा के लिए उसे देखते ही भिड़ जाता है।